یہ تھے جناب سید طاہر عباس بخاری، تشریف لاتے ہیں مداح آل محمد ذاکر آل عبا، جناب زوار غلام جعفر طیار خطاب فرمائیں گے، ان کے بعد سفیر اعضا جناب حاجی ناصر عباس نوتک وہ خطاب فرمائیں گے. ہو گیا یار، بس اللهم صل على ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہربان رحمان رحیم کریم اللہ، بانی مجلس، حاضرین مجلس، جتنے مومنین مومنات دربار بطول چاہے ہو، بہت بڑی دعا پہ منگداں ماں حسین دی تھن کسے دا محتاج نہ کر میں سمیت. اے وسل آ رہی یار، وسل نو ٹھیک کرو. دل ٹھریا ہے تھوڑے واسطے دعا منگی، دل آ دے ایک بار ود دعا منگا. مہربان رحمان رحیم کریم اللہ، بانی مجلس، حاضرین مجلس، جتنے مومنین مومنات دربار بطول چاہے ہو، بہت بڑی دعا پہ منگداں ماں حسین دی تن کسے دا محتاج نہ کر میں سمیت. میرا پڑھن تے دل ہے جی، تھوڑا سنن تے ہو. سلوات با جماعت، اللہم صلی علی محمد و آل. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. پھر بھی ایک صلوات پڑھ دے سارا، اللہم صلی علی. ایک شعر تو مجلس کی ابتدا کر، ایک سیکنڈ بھی تھوڑا ضائع نہیں ہونا، تھوڑی جی آواز دیو بھائی، تو جی وسل آ رہی اس سے ذرا کنٹرول کرو. شیر پڑھ لگا، ذہن تیار. مولوی جی یہ کیسا غضب ہو گیا، مولوی جی یہ کیسا غضب ہو گیا، داڑھی واجب علی مستحب ہو گیا. چلاکیاں ویکھو مولوی جی یہ کیسا غضب ہو گیا، داڑھی واجب علی مستحب ہو گیا. ایک شعر جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام دی، اللہم صلی علی محمد. اے اس عزت دا مالک شہنشاہ کہ 14 معصوم جدیں پیراں تے ہاتھ رکھ کے اپنی صبح دا آغاز کرن.
क्या मकाम है जनाब हज़रत अबू तालिब दा। ज़हन तैयार होवें तो शेर पढ़ा, अगर महसूस ना करो तो तुम भी सामने आओ, नहीं तो मैं आखो मैं उत्थे आवे आ जाओ, सोहने नहीं पे लगते सामने। तारफ करावा जी कौन हजरत अबू तालिब, फिशारे फिशारे कब्र का डर है तो इनसे बुग्ज न रख। जेड़े बोल सकते हो तो बोलो यार, फिशारे कब्र का डर है तो इनसे बुग्ज न रख, क्यों जमीन के बाप का भी बाप है अबू तालिब। मस्जिद कूफा दी मगरबी दीवारे एक बंदा हसदा पे है, चंद लोग इन हसण आले नाल अमीरे मुमकिनात दा गुजर होया। सुभान सिरात मुस्तकीम अली ने फरमाया, ओ बंदा खुदा कितना सोहना आई नाल मस्जिद, तू अल्लाह दा कुरान पढ़िया, ये बंदे हसन आले तैन दात देंदे जो कुरान सोहना पे पढ़ दे। मौला अमीर फरमाते ने इस वक्त ने जेड़ा हादसे च गुजरे आई, इस वक्त ने मुड़ के तेरी जिंदगी च नहीं आ। इस वक्त ने बोलो मुड़ के तेरी जिंदगी च नहीं आ। मौला अमीर दी जुबान जितना असर आई उस बंदे नहीं पता जो मैंने फरमाउण वाला कौन। अली दे शिया गुजरते पे, मौला दा खिताब सुन के रुक गए कि या अली ने गल कोई वड्डी कर। उस बंदे नहीं पता जो मैंने फरमावण वाला कौन, तवज्जो फरमा रहे। उस बंदे आख्या जितना सोहना है इतनी गल भी सोहनी की थी, काश मैं कुरान पढ़िया होंदा, मैं तुहाडे हुक्म दी इन तामील करा, अल्लाह मेरी जिंदगी कयामत तक वधांदा, मैं कयामत तक न पैरों ते खलो के कुरान ही पढ़ा। यानी मौला दी जुबान च असर इतने है, वो समझ आ रही है। मैं कुरान ही पढ़ा, शहनशाह फरमाते ने सोहना जवाब दिता ही। अली फरमाते ने दस कुरान पढ़न दा शौक ही भी। उस आखा जी पहले तो कोई नहीं लेकिन तुहाडी जुबान च इतना असर है, हुण मेरा दिल कर दे जो मैं काश कुरान पढ़िया होंदा। अली फरमाते ने मैं पिया पुछदा हुण शौक ही भी कुरान पढ़न दा। उस आखे जी पहले तो कोई ना, हुण शौक है तुहाडे फरमावण ते शौक। मौला अमीर फरमाते उदनो मिन्नी, मेरे करीब बंदा करीब है। अली फरमाते सज्जा हाथ वधा,
उस बंदे सज्जा हाथ वधाया। कायनात दे मुश्किल कुशा ने अपना सज्जा हाथ उदे हाथ रखे। अली हाथ जो चाहे सात कदम पीछे हटके आ दे, तेरी इज्जत दी कसम है, हुक्म तो कर सूरह यासीन पढ़ा। सूरह यार रहमान पढ़ा, यासीन पढ़ा, वन्नास पढ़ा। सुभान वो बंदे आख्या तू तो कुरान पढ़े हो कोई ना, तो तू वन्नास तक पहुंच गए। सलमान मुहम्मदी आदे ने दसो बा आख्या क्या है, उन्होंने कलाम च इतना असर है। लो जी आज की मजलस मैं उस अमीर की शान का कसीदा पे पढ़दा जिसन मोहम्मद मुस्तफा फरमाया जो हसन तू वड़ा अमीर। या अली अली हक अली हैदरी गुल्द की वादियों में हर तरफ नूर सा छा गया है। ईद है गुल्द की वादियों में हर तरफ नूर सा छा गया है, हर तरफ नूर सा छा गया है। सेन जहरा में इमरान बन कर, सेन जहरा में इमरान बन कर आज मौला हसन आ गया है। तुसा जियो तुहाड़े बचड़े जीवन आज मौला हसन आ गया है, आज मौला हसन आ गया है। मावा दिया झोलियां चों शहनशाह का जिक्र सुन लगे हो। अकबर जाफरी साहब जितने मौला दे आजादार बैठे गुंगा बंदा बहाओ एक बारी बोले सी जरूर। ये जाकरी का कमाल नहीं करबला लैंदा कमाल। तुसा जियो तुहाडे बचड़े जीवन शेर पढ़न लगा, दीवारां बोलन दरख्तां दे पत्ते बोलन। इमाम हसन दा ज़हूर होया अमीर मुमकिना उतने पुत्तर नूं झोली च पाया। सईदां दा सरदार अपने डेरे च बैठे पुत्तर नूं झोली च पा के लुत्फ लैणा है। भाई एक वफद गुजरिया प्यो पुत्रां दे पासे वेख्या दिन सलमान जिवें तू इन्हां नूं जानना है इंज कोई नहीं जानदा। तारफ करा सकदा है कौन है हुण सवाल हो सकदा जाफर तां यार बंदे अन्ने तो नहीं वेदे तो पए हन जो प्यो पुत्र बैठे क्यों पे पुछदे न। अजीम मजमा है मैं अदा इन्हां कोई नवीं गल नहीं कीती। सरदारे मलाइका हजरत जिब्राईल कई हजार मरतबा दरवाजा बतूल ते आया है लेकिन जद चादर तहीर थले बैठे जिब्राईल नूं भी पूछना पै गया मैं पूछ सकदा इन्हां दे चो अली केड़ा इन्हां चो नबी केड़ा। तुहाडे बचड़े जीवन तुसा आप जियो ए कुर्सी ते बाण वाला कौन है झोली च कौन है
सलमान इतनी खुशी जिंदगी डिठी नहीं मदीने, इतनी खुशी मदीने डिठी नहीं जितनी अज। इन वजह तसो जैन तैयारो हैं सलमान मोहम्मदी फरमा रहे हैं कड़ी गल जश्ने हसन है आज का उनवान दोस्तों तुसा जियो द्वारे बचड़े जीवन जश्न हसन है आज का उनवान दोस्तों कुरान की है गोद में कुरान दोस्त कुरान की है गोद में कुरान दोस्त बस में मोहम्मदी में है वजदान दोस्त बस में मोहम्मदी में है वजदान कर लो सभी बहिश्त का सामान दो कर लो सभी बहिश्त का सामान फिर आखो कर लो सभी माँ पुत्र नहीं जाया जरा मजला से चावे सा लवे तो बोले नहीं कर लो सभी बहिश्त का सामान तुसी मन पे वे दो मैं थन पे वे दा जश्न हसन आल मोहम्मद की मोहम्मद की दह जो खुश नहीं आज वो बंदा यजीद है तुसा जियो द्वारे बचड़े जीवन मलक मुरीद नू मौला सेहत अता फरमावे ये सोना घर बतूल दे पुत्र दा बनदा पे है जिवें इन्हां दा दिल इंज बने अजीम मजादार जवार सालार मुहम्मद असर कांजू साहब सुनन दे मूड चो तो मैं शेर पढ़ा मैं कितनी मेहनत और मुहब्बत नाल पे पढ़दा जेड़ा जमदिया नहीं बोलिया उंदी तो मेडिकली मजबूरी है किवें मैं मत्था देवा शेर मैं पढ़न लगा जिथे बासो दुआ निकल सके ओ लोग पया दिन सलमान तवज्जो सलमान जम्मे पले मदीने ना ऐसी खुशबू ना ऐसी रौनक ना ऐसी हवा ना ऐसा माहौल डिठे जड़ा अज वो किवें तुसाके मौला अली दी गली चू कदी इतफाक होए ना लगन दा ते मौला अली दी हवेली चू आवाज आंदी आई कुरान दी ओ भी फकत मर्दां दी तुहाडे सिरां तो गल टप गई मौला अली दी हवेली चू कुरान दी आवाज़ बुलंद होंदी आई वह भी सिर्फ मर्दां दी औरतां दी यानी परदे दे म्यार सलमान मोहम्मदी मदीने दे लोग आदे ने इनकलाब किवें आया ये जड़ियां अज आवाज़ां अली दी हवेली चू आ रही हैं इस दुनिया दी आवाज़ां ने भई अजीम मजमे मैं बड़ी मेहनत के नाल शेर पढ़न लगा ये जड़ियां आवाज़ा मौला अली दी हवेली चू पईआं आंदियां इस दुनिया दियां आवाज़ा नहीं सलमान होया के सलमान मोहम्मदी मदीने दे लोगों नूं बुला के मौला अमीर दी हवेली दे पासे इशारा करके प्या दे केड़ी गल उतरा हुआ है अर्श मौला अली के घर जींदा रहो तुसा जियो द्वारे बचड़े जीवन यार साउंड की आवाज नहीं आ रही मेहरबानी करो आवाज है तो खोल दो नहीं तो पहले ही बंद करो निजाम चल ही वैसे बेकदरिया लोग नहीं पेपरदा जैन तैयार होवेन सलमान मोहम्मदी पया दिन केड़ी गल
उतरा हुआ है अर्श मौला अली के घर, उतरा हुआ है अर्श मौला अली के घर, तकसीम हो रहा है तवल्ला अली के घर, तकसीम हो रहा। सुना पर सुन दियो, देखा गया है रब का तजल्ला अली के घर, देखा गया है रब का। अगली सत्र में पढ़नी इथे, हर बंदे नहीं बोलना, बंदे दे अकीदे बोलना है, अकीदे वाले बंदे बोलना है, बाकी बंदे बोलना ही नहीं। आया हसन के जश्न में अल्लाह अली के घर, या अली अली या अली, जन्नत नहीं बन गई। हाजर जनाब, फिर आखो भाई, उतरा हुआ है अर्श मौला अली के घर, तकसीम हो रहा है तवल्ला अली के घर, देखा गया है रब का तजल्ला अली के घर, आया हसन के जश्न में अल्लाह अली के घर, आया हसन के जश्न में अल्लाह अली के घर, सजदे में जबी न फरू और रसूल की, सजदे में जबी न फरू और रसूल की, सदरा बनी हुई थी हवेली बतूल की, ओ मेरा अली है मौला अली है, पूरे कुरान दे खत्म दे सवाब है हैदरी, मेरा अली है, जींदे रहो मौला अली है, काबे ते आया जै बुत कदा कु किबला बनाया, मेरा अली है, तुसा जियो द्वाडे बचड़े जीवन, जज बनो तो शेर पड़ा, एक नबी दी मां, एक वली दी मां, फैसला थोड़े ते भाई, एक नबी दी मां, एक वली दी मां, आ जाओ अगे आओ। अच्छा पाकिस्तान दे बहुत बड़े जाकर अपनी मिसाल आप हाजी नासर अब्बास नोतक, प्रेशर च नहीं आ गए भाई, बड़ा जाकर आवे तो बंदा प्रेशर च आ गए। तुसा जियो द्वाडे बचड़े जीवन, एक नबी दी मां, एक वली दी मां, हुण मालिक जिहड़ी इज्जत अता कीती वंड वेखणी भाई, बेकदरियां लोगां नहीं पिया पढ़दा, हाई मां अंबी दी जिहड़ी आके हट गई, आई मां अली दी दीवार फट गई, हैदरी तुसां जियो द्वाडे बचड़े जीवन, हाई मां नबी दी जड़िया के हट गई,
फट गई सबको बुला के सबको बुला के सबको बुला के अकीदे वाले बंदे बैठे हो सबको बुला के रब ने दिखाया ए ओ हे किसने आदम बनाया मोहम्मद दीदी तुम वस्तियां रखे 24 मरतबा दा जवार भैन ते बिरावां दा 14 मासूमां दा जवार 50 साल हो गए नवाब करबला दी नौकरी च 4th पुश्ते शब्बीर दी मदाखन च प्यो दादा पड़दादा जाकर हुसैन भुख तस गुजारी लेकिन हुसैन दा साथ नहीं छोड़ गलत बयानी करा मोहम्मद मथे नला जिस शहनशाह दे हत्था जिस बादशाह दे हत्था हजरत आदम बनाया है उदियां दियां मुसलमाना इतना मारे है इतना अली दिया पुत्रा नहीं मारिया जितना अली दिया धीयन मार मौला इज्जत देने दुआ पे मंगदा अल्लाह तुन ज़ियारत कब्रे हुसैन करा हुसैन द मोर अला जाकिरा पूरी जिंदगी बददियांती नहीं की थी इमाम हुसैन दे जिक्र जड़ी दुआ मकसा मोहम्मद दीदी कबूल करे मैं कसम इमाम हुसैन दे आखिरी सजदे दी मैं अपनी गरीबी याद है हुसैन दी करीमी याद जद मैं जाकर अस मेरा अपना घर ही कोई नहीं जद मैं जाकर बनया मैं किसी के घर च रहास बहन तो बिरावान वो तरस आया मेरी नस्ल याद रखसी इतना फैज किते मोहम्मद दीदी इतना मारिया ने अली दियां धियां जो पेकियां च गई है ते सक्यां बिरावां नहीं सुझाता जे सावरियां च गई है ते धियां नहीं सुझाता 27 रमजान दी ढलदी आई डिगर पेके शहर आई 28 दी रात रोंदियां गुजारिस 28 रमजान दी सुबह दी नमाज अली दी धी बह के पढ़ी सैयद सज्जाद मुसल्ले दे करीब आए पुत्र दा मत्था चमकिया दियो सईदां दा आदम क्यों रोना है अम्मा मैं पूछण आया जो बह के नमाज क्यों पढ़ी ने बीबी यदि जानदत हैं अगर हुक्म करें तो मैं दसा हाँ अम्मा फरमाओ बीबी यदि जिंदान च हकूमत दी तरफों जड़ी गिजा मिलती आई ना वो इतनी थोड़ी आई जो यतीम बच्चों ते पूरी नहीं होती मैं अपने हिस्से का भी खाना यतीमां नूं दे दे सज्जाद नकाहत इतनी हो गई मैं खलो के नमाज नहीं पढ़ सकी तैन जामन बना के आ दिया अगर इजाजत देवें मां तहा मुसलमाना मैंने मारे ही इतना है जो मैं वसण दे काबिल नहीं रही क्यों अजे थोड़ी सर दा जख्म बंद नहीं होया मां दा दिल रख दिया अगर इजाजत देवें तो मैं लाजा दा लाजा सावरे घर लगी बन्या तन जामन बना के पया दिया मैं धीन वेखसा जरूर मैं मिलसा नहीं
हालिया ने मुल्तान दा 11 मुहर्रम मुसलसल मैं मुल्तान पढ़े। मैं कोशिश करना जो थोड़ा हक अदा हो। जे नीत के आयो तो कजा नो सी। इमाम फरमाते मालिक को लगे वंजो नादे अली पढ़ के उठी हर हर कदम ते अब्बास का ना चंदी सावरी दहलीज दे अंदर 18 बेरावां दी बेवारस भैन अबू तुराब दी धी जमीन ते बह के उंगुश्ते शहादत नाल जमीन ते लिखिया परदेसी हुसैन। मत इतना रुनी जो चीख निकली है मलका शाम दी। दोएं धियां कुरान पियां पढ़ दियां। वड्डी धी कुरान बंद कीता है आसमान दमू करके आ दिए मालिक जो कुछ मैं सुझाती खड़िया ना इंशाला ओ न हो। ये आवाज मेरी सुझाती हुई मेरी सैन मलका शाम जमीन ते बैठी सकी धी उठी। बस भाई तमहीद मुक गई 70 मसाइब दी सुनो। सकी धी करीब आके बह गई ते सर दी रथ पई वांदीए सज्जा मोडा ला के आ दिए हैं सवालन। ये जदा मरींदी रही है तेरे छुड़ावन आले कोई ना। सुभान जदा मरींदी रही है तेरे छुड़ावन आले कोई ना। बीबी आदी जदा जिन्हें मैं छुड़ावन आई ना ओ बाजू कटवा के फरात ते संप। अच्छा सवालन मेरी गुजारिश है कि बाबे अब्दुल्ला दे आवंद टाइम है वो सुबह दी नमाज मस्जिद नबवी पढ़ देन ते और बाबे मैंने हुक्म दिता है सदुआ बहना नूं कि थोड़ी माँ गई है परदेस जितने तक वापस नहीं ना आती तो सा जैनब बन के किरदार अदा करना है। कोई सवालन जो आवे जो मंगे दे छुड़ाए ज्यादा देर बहाना नहीं। सवालन बाबे दे आवन दा टाइम है बाबा नाराज होसी हुक्म कर कैसी शायद चाहिदी मेरी सेना दी है घर दी मालकन मैं मंगण वाली नहीं। मेरा ओ घर है जिथू अल्लाह दे नबी मंगदे ने। बच्ची तड़प गई आदि हैं सवालन सोच के गल कर दावा तो इंज पई करे नहीं है जिमें तू हैदर करार दी थी है। बैठी क्यों है। हाजी नासर अब्बास मौला इज्जत रिज्क सेहत देवी सकी धी पई आदि जी मंगण वाली न बैठी क्यों है। सही आजादी आदि तो दूआ भैणा कुरान एडा सोना पढ़िया है। मेरा दिल दे मेरी जिंदगी दे जितने साह बाकी मैं रोजाना थोड़े घर आवा दूआ भैणा दा कुरान सुन के मैं अपने घर लगी बनी। दूजी भैन भी पलंग तो ले आई एक सज्जे बह गई बच्चिया आदि साडा कुरान पसंद आया। हां घर की मालकन थोड़ा कुरान पसंद आया। दोए दिया गल लग गई मां का जख्मी सर चुमकिया दिया ना सवालन अगर साडा कुरान पसंद आया ही कदी तू साडी मां जैनब दा कुरान सुनया। तैन दुनिया के कारी भुलवें जिदा साड़ी माँ पढ़ती आई ना कुरान तो साडा नाना अली लुक लुक के सुन लमान वैसी धीएं दा सलाम करके उठी सीधा रसूल दे रोज़े ते
ओ नबियां दा सरदार थकी होई धी दा सलाम सलाम करने त्रै साह कढे पैगंबर फरमाइंदे साहिब नाजुल बलागा दी धीए तेरे बाबे ने फरिश्तियां नूं बोलन दस्या बेटी ये साह कढ़ कढ़ के सलाम क्यों कीता मेरी सैना दी नाना जान दे तो हो अगर इजाजत दो तो मैं दसा जो मैं साह कढ़ कढ़ के सलाम क्यों कीता मुल्तान वालियों अदब दी धरती है बड़े दानात सुलझो चेहरे रसूला दिन मैं पूछ सकदा साह कढ़ कढ़ के गल क्यों कीती अल्लाह मेरी सैन दी नाना मैं दो गल्लां करन आईयां एक शिकवा करन आईयां एक शुक्रिया अदा करन आईयां भाई मावां दियां झोलियां च मसायब सुनन लगे हो रसूल आदन शिकवा कहिंदा मेरी सैना दी तुहाडे उमतियां क्यों क्यों ज़ैनब मेरी सैना दी नाना ईसा दी उमती चादरां देंदे आ तेरे उमती नेज़ियां नाल लहा अच्छा बेटी शिकवा तो मैं सुन लिया ये साह कट कट के गल क्यों कीती नाना हुक्म दे ते अर्ज करा हाँ बेटी दसो नाने दे गल च बाई चपाइया बीबिया दी तेरे पुत्रा तू वद जख्मिया ते हिक दर्द नहीं लहंदा हां तू ओ तेरे उमतियां मारे राज राज के हाथ बन के आन नौकर नौकर बीबिया दी तेरे पुत्रा तू वाद जख्मी एक दर्द नहीं लादा हाँ तू तेरे उमतियां मारे राज राज के हाथ बान के आन बरोज़े मैशर थोड़ी साड़ी मुलाकात होनी अमीर उल मोमिनीन अली ना तुसा ही होना है मैं भी हूँ तुसा उस जमाने आखना है उस दौर च आखना है जाफर तैयार हो मौला अली आ गए जेड़ा वैन पड़े ही ना मुल्तान अज अली नू सुनवा सारे मुकान दईए मौला अली रसूला दिन ज़ैनब ए तहा शिकवा ए शिकवा आई शुक्रिया कहंदा अदा करने मेरी सैना दी पखियां दा शुक्रिया कहंदा पखियां दा ज़ैनब ओ क्यों नाने दे गल च बाई चपाइया जेड़े रोवन आयो बीबिया दी एक साल मुसलसल एक साल मुसलसल जिंदान तू रखी पखियां बांध परवाज ओ मत्ता बिन चादर दे पड़दी होवे ती अब्बास दी भेड़ नमाज अल्लाह बस मेहरबानी मौला इबादत